शिवराज सिंह जी का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये भी जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि यहाँ पे जैसे उज्जैन के पास में है तो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और इस जगह का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है किया जाए। बाबा महाकाल की नगरी महाकाल वन में चनावटी तट पर हमारे बीच कुछ इंदौर के मेहमान पहुँचे हैं, यहाँ की असुविधा और सुविधा के विषय में और विशेष जानकारी देना चाहेंगे और इनको यह स्थान कैसा लगा जानते हैं इनसे। नमस्ते। नमस्ते। ये जगह तो बहुत अच्छी है और दर्शनीय स्थल है। मैंने पंडित जी से पूछा था, मुझे रेल के माध्यम से मालूम चला था कि ऐसी कोई जगह भी है इंदौर के आसपास जो 5-8 साल पुरानी है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने सोचा कि जाकर देखा जाए और उज्जैन से इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी लोगों को इस बारे में पता नहीं है, आश्चर्य की बात है। महाकाल लोग जहाँ पर स्वयं मोदी जी आकर उद्घाटन करते हैं तो ये तो बिल्कुल नज़दीकी क्षेत्र हुआ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और सुविधाएं दी जाए, लोगों को पता चले। जैसे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, ऐसा मैं चाहती हूँ कि इस जगह का प्रचार प्रसार हो। और जहाँ ये इतनी मतलब पवित्र जगह है, पास में चंबल नदी है, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, वैसे जैसे शिवराज सिंह जी का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये भी जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि यहाँ पे जैसे उज्जैन के पास में है तो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और इस जगह का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है किया जाए। दूसरी बात मेरी ये है कि क्योंकि इतनी प्राचीन जगह है, 5-8 साल पुराना जैसे बोला जा रहा है, तो यहाँ की जो मर्यादाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं जो शहर के नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, उन्होंने धार्मिक स्थलों की भी फिजा बिगाड़ के रखी है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसी जगह पे कुछ ऐसी चीजें हों जिनसे आसपास के लोगों को या हमारी संस्कृति को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचे। थैंक यू।